on board the Election Express. It's day 33 and the Election Express is broadcasting tonight out of Varanasi, where the most colorful, the most spirited contest in the battle for your vote 2014 is being fought, and we are joined today by the lovely people of Varanasi. Thank you all very much for joining us on the Election Express. Thank you. Varanasi is also the home of classical music. Varanasi शास्त्रीय संगीत की नर्सरी रही है. हमारे साथ यहाँ पर कुछ संगीतकार हैं, उन्हीं से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. सर, आपने वाराणसी की संस्कृति, गंगा जमनी संस्कृति पर जो आपने लिखा है उसके बारे में बताइए, और इस चुनाव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, बनारस जो है संस्कृति की नगरी है. यहाँ पे संगीत के महान कलाकार हुए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, पंडित किशन महाराज जी, शांता प्रसाद जी, सितारा देवी जी लोग, इन लोगों ने पूरे विश्व में बनारस का नाम उज्जवल किया है. और कभी कभी ये दुख की बात होती है कि कभी इन लोगों के नाम से एक स्मारक भी बनारस में नहीं है कि दो पुष्प आके कोई चढ़ा सके. और यहाँ पे ऐसी गुरुकुल व्यवस्था भी नहीं है कि बच्चे आके, देश विदेश से कई लोग आते हैं सीखने के लिए, तो यहाँ पे एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि बच्चे आके यहाँ पे संगीत सीख सकें. बहुत ज़रूरी बातें हैं और इस पर फोकस होना भी चाहिए. मैं चाहता हूँ कि कार्यक्रम की शुरुआत आप कुछ ऐसा बजा कर करें जिससे कि बनारस की जो संस्कृति है वो भी सामने उजागर हो और देश के लोगों को पता चले कि यहाँ के शास्त्रीय संगीत में कितना दम है. सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने शास्त्रीय संगीत को इतना बढ़ावा दिया है कि अपने इस मंच पे शास्त्रीय संगीत को लाए हैं, जो कि बनारस के की ही मतलब धरोहर है. और हम लोग भगवान शंकर की एक स्तुति करेंगे यहाँ पे. शंकर महादेव दे, शंकर महादेव दे, शंकर महादेव दे. यहाँ के लोग सेवक हैं. महादेव दे, सेवक सब जागे. शंकर, यहाँ सेवकों को जागना होगा. ये जो वोट दे रहे हैं, जाग कर वोट देना है. सेवक सब जागे, शंकर महादेव दे. जटा मुकुट शीश गंग, जटा मुकुट शीश गंग. वाहन तेरी अति प्रचंड, वाहन तेरी अति प्रचंड. गौरी बताइए कि इलेक्शन पे आपकी नजर है कि नहीं? एकदम एकदम हमारी नजर है, और हम लोग उसी को वोट देंगे जो शास्त्रीय संगीत और यहाँ की संस्कृति को बचाए रखे. शास्त्रीय संगीत और यहाँ की संस्कृति को बचाए रखे. वाराणसी मशहूर है अपनी कविताओं के लिए भी, और यहाँ पर कई सारे ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने चुनावों में कुछ कुछ लिखा है. तो किससे शुरू करें और किससे हम स्टार्ट करते हैं? सर, आपसे स्टार्ट करते हैं. आप वाराणसी में एक बड़ा महोत्सव भी बनाते हैं, तो आप हमारे शो में बताइए आप क्या बताना. जी, यहाँ पर हम लोग एक बनारस उत्सव करते हैं. मेरा केवल ये बहुत सीधा सा कहना है, कबीर जी की नगरी है. कबीर जी का एक दोहा है, काशी काबा एक है राम रहीम. जो भी यहाँ से जीते आखिरी में 16 मई को जो रिजल्ट आए, वो इस चीज़ को ध्यान रखे और बनारस को आगे बढ़ाए. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. और भी लोग हैं जिन्होंने कुछ लिखा है इलेक्शंस के ऊपर. सर बताइए, क्या आप पढ़ के सुना? सीधी सी बात है, देखिए देश की जो स्थिति है, इसे मैं चाहता था कि कोई पारंपरिक राजनीतिक पार्टी का राजनेता आके इस स्थिति को बदलता. दुर्भाग्य हमारा, लेकिन ऊपर वाले ने एक क्रांतिकारी को भेजा है. उस पर किसी ने दो लाइनें लिखी है, मैं वो कहूंगा. हवा अब बड़े जोरों से चलने लगी है, बड़े पेड़ों की नींव अब हिलने लगी है. हवा अब बड़े जोरों से चलने लगी है, बड़े पेड़ों की नींव अब हिलने लगी है. ये कैसी आग तूने हर दिल में भर दी अरविंद, कि हर दिल में परिवर्तन की हवा पलने लगी है. तो ये तो हुई अरविंद केजरीवाल की तरफ से शेर व शायरी, लेकिन बाकी पार्टियां भी पीछे नहीं है.
जहां केजरीवाल और आम आदमी पार्टी रंग में है, वहीं बाकी लोग भी हैं जो कि तैयारी करके आए हैं और जो अपनी बात रखना चाहते हैं। मैडम ने कुछ लिखा है, उनको बोलने दीजिए। शांत रहिए, उनकी बात सुनिए, बड़ी मेहनत से उन्होंने। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम दीपिका प्रजापति है, मैं टीचिंग करती हूँ लिटिल फ्लावर ककरबस्ता ब्रांच में और मैं मोदी को सपोर्ट कर रही हूँ। मोदी के लिए मैंने लिखा है, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ। है नूर आप एक सेकंड शांत रहिए ना, उनकी कविता सुनिए। है नूर मोदी सातों आसमान के लिए, है फूल आप मेरी गुलिस्तान के लिए। है नूर मोदी सातों आसमान के लिए, है फूल आप मेरी गुलिस्तान के लिए। हर पल खुदा से यही गुजारिश रहेगी हमारी कि फरिश्ते भी आए उनके दर सलाम के लिए, उनकी सलाम के लिए। और मैंने एक कविता उन जनता के लिए लिखी है जो उनके अगेंस्ट है। मैं उनको पिछले कुछ साल का कुछ आईना दिखाना चाहती हूँ। रूठे हुए जनता मनाऊ कैसे, मोदी की अच्छाई किस कुछ को सुनाऊ कैसे। रूठे हुए जनता मनाऊ कैसे, मोदी की अच्छाई किस किस को और कैसे सुनाऊ कैसे। पिछले साल का किस्सा है, हुआ कुछ ऐसा, तेल हुआ महंगा, बिजली हुई नदारद। तेल हुआ महंगा, बिजली हुई नदारद, अब अपने घरों में दिया जलाऊं कैसे। रूठे हुए जनता मनाऊं कैसे। आग लगी हर जगह हर शिक्षा के क्षेत्र में, आग लगी है हर जगह हर शिक्षा के क्षेत्र में। बिटिया को अपनी अब पढ़ाऊं कैसे। रूठे हुए जनता मनाऊं कैसे। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खूबसूरत कविता आपने सुनाई, लेकिन और भी लोग हैं जो कि तैयारी करके आए और अपनी बात रखना चाहते हैं। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी सर, मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम प्रियेश मिश्रा है। और सर ये जो क्या लिखा है, जो राजनीतिक पार्टियों को सर चुनाव के समय हिंदू मुसलमान याद आते हैं, सांप्रदायिक बातें याद आती हैं, ऐसे तो उन्हें कभी याद नहीं आता, वोट बैंक की तरह वो इस्तेमाल करते हैं इसे। सर उससे मैंने दो लाइनें लिखी हैं कि ये देखकर पतंगे भी परेशान हो गईं, ये देखकर पतंगे भी परेशान हो गईं कि अब तो छतें भी हिंदू मुसलमान हो गईं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, क्योंकि वाराणसी प्रतीक है गंगा जमनी सरस्वती के लिए और उसमें बहुत फिट बैठता है आपका। समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स भी कुछ लिख के लाए, क्या लाए सर साइकिल पर? के नहीं लाए हैं, गंगा देखो पेट भर जाएगा अभी एक मिनट में। गंगा, गंगा की कसम, यमुना की कसम, ये ताना बाना बदलेगा और कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले, जालिम का जमाना बदलेगा। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे दिल में न सही, मेरे दिल में ही सही, है कहीं आग तो आग जलनी चाहिए। और इसके साथ जो लोग बाहर से आकर, हम काशी की जनता की आवाज है, काशी का अपना ऐसा मिजाज है, जैसा हमने पहले बताया था, मोदी जी चिल्ला रहे हैं, 5 साल लगातार गायब थे मुरली मनोहर जोशी, यहाँ के MP गायब, 7 बार मेयर बनारस में, 5 बार MP बनारस में भाजपा का, विधायक 3 सीटों पर, लेकिन जब काशी की जनता अपनी फरियाद लेके मुरली मनोहर जोशी के दरवाजे पर बम ब्लास्ट होने पर भी बनारस में नहीं, गंगा जी में बाढ़ आती है नहीं, और नारा क्या है, कविता है इनका, चिर परिचित नारा है, जब जनता जाई दरवाजे, राम लला हम आए हैं मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, सीवर नहीं बनाएंगे, सड़कें नहीं बनाएंगे, गलियां नहीं लगाएंगे, लाइट नहीं लगाएंगे, दंगा रोज कराएंगे, कर्फ्यू रोज लगाएंगे, ये इनका जवाब है। यहाँ पे तो जबरदस्त शेरो शायरी के जरिए लड़ाई हो रही है,
हाँ ये मैडम भी है। एक सेकंड, मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि जब कोई बात अपनी कहे उनको कहने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, जो कहने दीजिए अपनी बात, उसके बाद आप नारेबाजी कीजिए। भाई साहब साइकिल वाले भाई साहब सब शांत, ऐसे नहीं चलेगा। शांत शांत, आपके आदमी ने बोली ना बात, आपने बात बोली, जब कोई बोल रहा है उसको बोलने दिया जाए, ऐसे नहीं हो पाएगा। शांति से बैठे रहिए साइकिल के सब समर्थक, भाजपा के भी। जी मैडम, अभी अभी कहा गया या कुछ लोग कह रहे थे इससे पहले कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली छोड़कर भाग गए। तुम कहते हो हम दिल्ली छोड़कर भागे हैं, तुम कहते हो हम दिल्ली छोड़कर भागे हैं, ना छोड़ते दिल्ली तो कैसे काशी आदे, सुधारने आए काशी गंगा की निर्मलता बरकरार रखने को साथी, हम साथ तुम्हारा मांगे हैं, हम साथ तुम्हारा मांगे हैं। जो मेरी तरह टूटी सड़क पर धक्के खाता हो, जो रात रात भर पढ़कर भी आरक्षण के नाम पर पीछे रह जाता हो, जिनके घर की गृहिणी लेने जाए एक किलो सब्जी, महंगाई देख लेकर एक पाव ले आती हो, जो आम आदमी की पत्नी कहलाती हो, जो बच्चे की फीस का हिसाब लगाए, जिसके घर की लाइट मेरे घर की तरह चली जाए, जिसकी चाय सिलेंडर के भाव देख आधी रह जाती हो, जिसकी सोच हो अंतर्राष्ट्रीय जाति का नाम भूल जाती हो, मैं हूँ आम आदमी, मुझे आम आदमी ही रहना है, और इस बार हर हाल मुझे अरविंद केजरीवाल को ही चुनना है, अरविंद केजरीवाल को ही। ये जीत हार जिसकी भी हो, वाराणसी के चुनाव में रंग बड़ा जबरदस्त है। एंड एज वी सी ऑल दीज पीपल वेरी एक्साइटेड अबाउट द इलेक्शंस इन वाराणसी, वी आर ऑल्सो सीइंग अ मैसिव कंट्रोवर्सी प्ले आउट between the Bharatiya Janata Party and the Election Commission. Narendra Modi wants to come to Varanasi tomorrow and campaign over here. The Election Commission is not giving him permission to do so. And that's something that the BJP is very worked up about. They're saying starting tomorrow, 11 a.m., Arun Jaitley, Amit Shah will be protesting outside the Banaras Hindu University, regardless of the consequences. चुनाव के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर निष्पक्ष चुनाव के लिए एक तरह बन गए हैं, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन में इंटरफियर करने का प्रयास कर रहे हैं, और मुझे खेद है कि चुनाव आयोग इसमें मूक दर्शक है। इस रिटर्निंग ऑफिसर को तुरंत बदला जाए। कमीशन डज नॉट एक्सेप्ट इंसैनुएशंस of inaction or bias in this regard. As in all matters, Commission will act correctly while facilitating legitimate campaigning by all political parties. The BJP livid with the returning officer in Varanasi, wanting the Chief Election Commissioner to remove him. That's something Sampath hasn't done. I interviewed Amit Shah, Narendra Modi's key aide, the man in charge of the UP and the Varanasi campaign, right before coming here for this program this evening. This is what Amit Shah told the Election Express. He's very clear, regardless of the consequences, regardless of the laws that might get violated, Narendra Modi and his cavalcade will pass through the Banaras Hindu University all the way to the BJP office, and the Election Commission can do what it wants. This is a Headlines Today exclusive. इलेक्शन एक्सप्रेस इस वक्त वाराणसी में है, और इस वक्त हमारे साथ हैं नरेंद्र मोदी का दाहिना हाथ और बीजेपी के कद्दावर नेता अमित शाह। स्वागत है आपका इलेक्शन एक्सप्रेस। सबसे पहले तो ये जो फसाद हो रहा है इलेक्शन कमीशन के साथ, उस पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर इलेक्शन कमीशन किसी चीज की इजाजत नहीं देता तो क्या बीजेपी के शीर्ष नेताओं को इस तरीके से चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन से भिड़ जाना, क्या ये ठीक है? नहीं देखिए, हमें जहां तक इजाजत देने का सवाल है, पूरी चुनाव की प्रक्रिया में जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, मतलब रिटर्निंग ऑफिसर की होती है, और मैं मानता हूं इस रिटर्निंग ऑफिसर ने न केवल इलेक्शन परमिशन देने में और कई जगह पे ऐसा काम किया है जिसके कारण चुनाव प्रभावित हो। हमारे कार्यकर्ता जब जनसंपर्क के लिए जाते थे तब उनको 144 के तहत अरेस्ट कर लिया, सिर्फ बीजेपी की कार्यकर्ताओं को ही अरेस्ट किया, न केवल अरेस्ट किया, उसमें से प्रमुख लोग जो थे उनको छांट कर
151 लगाकर ढाई दिन तक हिरासत में रखा और 4 लाख रुपए की सॉरिटी मांगी। मैंने मेरी इतनी पब्लिक लाइफ में 151 में 4 लाख की सॉरिटी कभी नहीं मांगी। आपके हिसाब से ये क्यों हो रहा है? सीधे सीधे बीजेपी का इस वक्त क्या आरोप है इलेक्शन कमीशन पर और इस रिटर्न? मैं मानता हूं कि रिटर्निंग ऑफिसर बायस है और इलेक्शन कमीशन ने मोदी के खिलाफ पर किसके पक्ष में? मेरी बात समाप्त होने दीजिए। इलेक्शन ये रिटर्निंग ऑफिसर बायस है और इलेक्शन कमीशन ने तुरंत इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए उनको बदलना चाहिए। पर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया नहीं, जेटली जी ने उनको चिट्ठी भी लिखी। आपको लग रहा है क्या इलेक्शन कमीशन पर और रिटर्निंग अफसर पर स्टेट गवर्नमेंट का प्रेशर है? देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन को आज दिन में 3 बार चिट्ठी लिखी है। मैं और अरुण जेटली जी ऑब्जर्वर को भी मिले हैं। हम देखते हैं कि आज देर रात तक इलेक्शन कमीशन कोई कार्यवाही करता है या नहीं करता है। तब तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी, मगर इतना निश्चित है कि इलेक्शन कमीशन ने कार्यवाही करने में देरी लगाई। आपके हिसाब से कितनी सीटें आ रही हैं? मैं आंकड़ों में पढ़ना नहीं चाहता, मगर भारतीय जनता पार्टी अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़कर बहुत बड़े अच्छे मार्जिन से सरकार बनाने जा रहे हैं। कल नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं, क्या वैसे ही हुजूम लगेगा जैसे जब नॉमिनेशन के लिए आए थे तब था? मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या कह रही है आपकी मुस्कुराहट? अब मुझे लगता है कि शायद संख्या कम होती थोड़ी बहुत भी, अगर इलेक्शन कमीशन ये न करता तो वाराणसी की जनता में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के स्टैंड के कारण बड़ा रोष है और मैं आशा करता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग मोदी जी को देखने और सुनने। और अगर 144 लगा हुआ है, ईसी के और सरकार के नियमों का उल्लंघन हुआ, फिर रोहनिया की सभा है, मोदी जी अपने कार्यालय जा रहे हैं, कार्यालय तो कोई हवा में से तो जा नहीं सकता, रोड पर से जा सकता है। आप कह भी रहे हैं नहीं भी कह रहे हैं, मतलब हुआ उल्लंघन तो हुआ, ये है क्या? उल्लंघन कहाँ से होता है मोदी जी का मतलब? सुनिए ना, मोदी जी अपनी कार में कार्यालय जा रहे हैं, आसपास में लोग दुकानें बंद कर दे क्या? जबरदस्त रहेगा, अच्छा है हम वाराणसी में, आप भी वाराणसी में, हमें आपने वक्त दिया इलेक्शन एक्सप्रेस को, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। The election commission can do what it wants. Modi will be campaigning across Varanasi tomorrow. मैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से चुनाव आयोग फिलहाल परमिशन डिनाय कर रहा है नरेंद्र मोदी को आने के लिए, क्या आपको लगता है कि वो ठीक कर रहा है? कितने लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है? बहुत कम लोग हैं। सपा के लोग सब कह रहे हैं कि ठीक कर रहा है। कितने लोग हैं जो मानते हैं कि मोदी को यहाँ पर आने से रोकना वो गलत है, पूरा गलत है? बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि गलत है। आप कह रही हैं गलत है, मैडम आपके हिसाब से गलत क्यों? देखिए, भारत के संविधान में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा हक है और वो भी भारत के नागरिक हैं तो उनको अपनी बात रखने का पूरा हक। बेशक, और यहाँ से उम्मीदवार हैं, उनको रोकने का क्या लॉजिक है? क्योंकि ये आरोप समाजवादी पार्टी पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर आपके दबाव में है, वो मोदी को रोक रहा है आने से, उनकी सीट है वो लड़ रहे हैं, रोक कैसे सकते हैं? नहीं, वो इसलिए रोक रहे हैं कि पूरे देश में चुनाव हो गया और चुनाव आयोग जानता है, उसको महसूस हो गया होगा कि शायद गुजरात के बाद अब इनके जाने पर काशी में भी दंगा हो। कैसे होगा दंगा? फिजूल की बात कर रहे हैं आप। तो कैसे हो गया दंगा? नहीं, गोधरा में कैसे? अरे किसी के आने से दंगा थोड़ी होता है। नहीं, गोधरा में आपने रोक लिया था दंगा। गोधरा में तो वहाँ पे ट्रेन आपके चैनल ने रोक लिया था दंगा। मोदी के आने से दंगा कैसे हो जाएगा? नहीं, अरे कहाँ नहीं हुआ, ये मुजफ्फरनगर हो गया। वो तो आप ही के लोगों ने करवाया, आप ही की सरकार थी। गया जेल कौन गया? आप ही की सरकार थी। नहीं, सरकार हमारी और कराने वाले भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी। अगर आपको जानकारी ना हो तो अपने चैनल के पीछे जा करके देख लें कि किन पर FIR हुई है और किन को। FIR तो उन पर हुई है जिन पे आप लोग करवा रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि मोदी के आने से वाराणसी की सुरक्षा को खतरा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन रोक। देखिए, यहाँ बनारस के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और ये षड्यंत्र पूर्वक माननीय नरेंद्र मोदी जी की सभा को काशी की जनता से मिलने का। आप लोग जो कर रहे हैं वो भी तो गलत है, उन्होंने अगर मना कर दिया, कानून कहता है नहीं तो नहीं, क्यों जिद कर रहे हैं? नहीं, हम लोग अगर राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को परमिशन दिया जा रहा है उसी बनियाबाग के मैदान में सभा करने के लिए, तो नरेंद्र मोदी जी को क्यों नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कांग्रेस के सर, आप बताइए कि ये राहुल गांधी सभा कर सकते हैं,
अरविंद केजरीवाल कर सकता है, अखिलेश कर सकता है, मोदी को क्यों रोक देते हैं? यहाँ बनारस की एक पृष्ठभूमि रही है कंवल जी, 1993 में यहाँ चुनाव हुआ, यहाँ श्रीश चंद्र दीक्षित भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने बेनियाबाग में सभा किया और तत्काल बाद एक भयानक दंगा बनारस में हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों की जाने गई। इसी डर से लगता है कि कमाल की बात है, यहाँ का बीजेपी का एमपी है, कोई दंगा नहीं हुआ, मोदी के आने से दंगा हो जाएगा। मोदी के नहीं, श्री चंद्र दीक्षित के आने पर दंगा हो चुका है, इसलिए खतरा है कि मोदी आएंगे तो फिर दंगा होगा। नहीं, मैं पीछे जाना चाहता हूँ, वहाँ पर जो लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, इनको लग रहा है कि मोदी के आने से दंगा हो जाएगा इसलिए रोकना चाहते हैं? सर, पहली बात तो ये कि मोदी के आने से कहीं दंगा नहीं हुआ, और रही बात गोधरा कांड की, गोधरा कांड किसी भी कोई भी कह दे कि मोदी की वजह से हुआ है, गोधरा कांड 49 कार्यसेवकों को जलाने की वजह से हुआ है, नहीं तो ये कांड किसी के बाप की औकात नहीं। जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं कि वो हमें ये बोलता है या वो उन्हें रोक रहा है, वही संविधान हमें कहता है कि सबको बराबर हक है, तो फिर मोदी को क्यों रोका जा रहा है? जिस संविधान का बयाना देकर लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मोदी को नहीं आने दिया जाए, वही संविधान कहता है कि सबको बराबर हक है, तो ये भूमि भी तो बराबर हक है। बेशक मैडम बोलना चाह रही हूँ। जब हम डेमोक्रेसी में है तो रोक कैसे सकते हैं? इन ऑपोजिशन को ये डर है कि मोदी यहाँ आएगा तो इनको लूट के ले जाएगा सारे वोट इनके, ये डर से ये नहीं आने देते मोदी को। पर मैं आम आदमी पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ जो सपोर्ट कर रहे हैं इस फैसले को, अरविंद केजरीवाल आया गंगा में डुबकी लगाई, उसको तो रोका नहीं, आप बेचारे मोदी को क्यों? सर, एक तो पहली बात जो धरने की बात वो कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की टोपी उन्होंने चुरा ली, मोदी वाले अब सैफरन टोपी पहनने लगे। अब ये धरने पे जब अरविंद केजरीवाल ने धरना किया था दिल्ली में, तो ये सारे बीजेपी के लोग हमें अक्यूज करते थे, और आज वो हमें ही कॉपी करके धरने पे बीएचयू में बैठ रहे हैं। बनारस के किसी इशू पे वो धरने पे नहीं बैठे, देश के किसी मुद्दे पे धरने नहीं बैठे, रैली नहीं मिली, परमिशन इसीलिए नहीं मिली क्योंकि उन्होंने समय पे अप्लाई नहीं किया। उसी रूट उन्होंने तो पहले अप्लाई किया था। ये बताइए, किसी को गंगा मैया में डुबकी लगाने के लिए इजाजत क्यों चाहिए? सर, डुबकी लगाने के लिए तो उनको इजाजत है, जब वो आए थे तब वो क्यों नहीं डुबकी लगाए? पहले तो उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और गंगा नदी में बिना मिले ही गंगा नदी में बिना डुबकी लगाए ही चले गए, तो तब कहाँ थे? नहीं, पर ये बात नहीं समझ में आई, अरविंद केजरीवाल डुबकी लगाए तो उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, नरेंद्र मोदी गंगा मैया से मिलने आ जाता प्रॉब्लम है। सर देखिए, मैं बिल्कुल सेकुलर बात करता हूँ, उनको परमिशन मिलनी चाहिए, जब अरविंद जी को मिली है और उसके अलावा राहुल जी को मिली है, तो बिल्कुल मैं इस उससे नहीं है, उन्हें परमिशन मिलनी चाहिए, वहाँ जगह नहीं मिल रही है तो कहीं और मिलनी चाहिए, हर आदमी को इसमें अपनी बात बराबर, जैसे केजरीवाल को अपनी बात रखने का हक है, राहुल गांधी को अपनी बात रखने का हक है, अखिलेश यादव को अपनी बात रखने का हक है, वैसे ही नरेंद्र मोदी को अपनी बात रखने का हक है। एज द बीजेपी कैंपेन अनफोल्ड्स एंड एज वाराणसी अवेट्स नरेंद्र मोदी लैंडिंग हियर, द बीजेपी हैज ऑलरेडी put together with the help of intellectuals in Varanasi a roadmap for the city, a blueprint for the development of Varanasi, a spiritual center which has been decaying and is no longer quite the way it used to be in the past. It's filthy, it's messy, the river is a mess, and everything around Varanasi needs an urgent uplift, and Narendra Modi has actually put together a plan to be able to do so. My colleague Gaurav Sawant files this story for the Election Express. What should Varanasi expect from Narendra Modi? Should this wave sweep him to real power on the Ganga's banks? When the noise of the big fight for Kashi dies down, what should a decaying holy town look forward to? Most prominent, emotive and symbolic, Modi promises to clean the Ganga, the very reason that Varanasi even exists, the soul and lifeblood of the ancient city. Restore all of the city's ghats to their earlier splendor
and evolved Varanasi into the country's spiritual capital once again. इसको एक आध्यात्मिक टूरिज्म का केंद्र बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है. इससे लाखों करोड़ों डॉलर भारत को पैदा हो सकता है. Breathe life into Varanasi's erstwhile status as an education hub with the Banaras Hindu University, Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth and Sampuranand Vishwavidyalaya. अब वो काशी संस्कृत का केंद्र नहीं है, बहुत विद्यालय अध्यापक नहीं है, छात्र नहीं है, तो उसको कैसे विकास विकसित किया जाए. Evolved the town as Eastern UP's foremost medical hub by modernizing its already prestigious hospitals. And finally, to save and improve the lot of artisans and weavers whose families have for centuries created Banarasi saris and handicrafts. Welcome back. You're watching the Election Express. We are broadcasting out of Varanasi tonight, and I want to welcome a special guest to our program, renowned actor Vivek Oberoi, here in his capacity as a supporter of Narendra Modi. Swagat hai aapka. कहाँ इतनी गर्मी में, उमस में आप राजनीति में उतर आए हैं, रूप पहले पर्दे से दूर? हाँ यार, मुझे लगा कि आना चाहिए, जिस चीज में विश्वास करते हैं उसे आके प्रकट करना चाहिए, और आज काशी विश्वेश्वर जाने का भी मौका मिला. आपने यहाँ बनारस का पान खाया कि नहीं? आपके लिए लेके आया हूँ मैं. बहुत खूब खाना चाहिए शो के. अच्छा, शो के बीच में खिलाएंगे? अरे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगा. अच्छा, एक आप खाइए, एक हम खाएं. हमारे प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के कैलाश चौरसिया जी का पान है. आप तो बीएसपी का पान खिला रहे भाई. पान खिलाने का सिंबलिज्म ये है कि अगर नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो बाकी कुछ खाने का मौका किसी को नहीं मिलने वाला है, पान ही खाने का मौका मिलने वाला है. हाँ, This is to Mr. Vivek Oberoi. In Karnataka, he is supporting JDS, that is Janata Dal Secular, and here BJP. What is the difference of that? Sir, आप तो पार्टी बदलते रहते हैं. यार ऐसा है, यहाँ शादीशुदा कितने लोग हैं? कितने लोग शादीशुदा हैं? How many people are married? आप में से कितनों की सासूमा है? सासूमा यार, मेरी सासू माँ इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही थी, जाके उनको सपोर्ट करके आऊं, जेडीएस को नहीं. ये बताइए, मोदी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? राहुल, मुझे लगता है कि इतने सालों से जो यूथ है उनमें और लीडर्स में एक जनरेशन गैप बन गया. मोदी जी के आने से मुझे लगा है कि जनरेशन गैप हैज कन्वर्टेड इनटू जनरेशन मैप. एक दिशा मिल गई है यूथ को, और मैं पूरे भारत का भ्रमण करके आ रहा हूं. यूथ में जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है इस वक्त नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री देखने के लिए, रोजगार पाने के लिए, दैट्स इनक्रेडिबल. और जो उन्होंने अपना गुजरात मॉडल में रिजल्ट दिया, जैसे आज इतनी चर्चा हो रही थी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पे, आज आपने देख लिया कि क्या न्यूज में आया है कि दैट हैज बीन हेल्ड एज द बेस्ट मॉडल. आई थिंक ऐसे बहुत सारी चीजें, रिजल्ट ओरिएंटेड चीजें बाहर निकलते हैं. ये बताइए, आप भ्रमण कर रहे हैं, इलेक्शन एक्सप्रेस देख रहे हैं कि नहीं? हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है यार, इस इलेक्शन के बाद मुझे ये बस दे दो यार. जरूर जरूर. ये आपसे लोग सवाल पूछ, राहुल जी, इन्होंने इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उनका जवाब नहीं दिया. उन्होंने बस पूछा है किस किस की सासू माँ है, इसके बाद जवाब नहीं आए. यहाँ पर कर्नाटक में ये जनता दल सेक्युलर, जो कि सेक्युलर पार्टी है, आई सेड कि मैंने अपनी सासू माँ को सपोर्ट किया, और यहाँ पर ये कम्युनल पार्टी को सपोर्ट किया. व्हाट इज द एजेंडा यहाँ पर भी एक्टिंग? दिस इज सुडो सेक्युलरिज्म एंड अपॉर्चुनिज्म. सुडो सेक्युलरिज्म एंड अपॉर्चुनिज्म. अच्छा, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए. आई वॉन्ट टू टोल्ड हिम मिस्टर विवेक ओबेरॉय दैट नाउ वी आर द भाईस ऑफ वाराणसी. और इन्होंने तो वोट भी नहीं दिया था. मैं बस दो मिनट लेना चाहता हूँ. विवेक, यू सेड यू केम हियर आउट ऑफ पैशन फॉर नरेंद्र मोदी. इफ दैट पैशन वॉज सो स्ट्रांग, वाई बेंड ओवर फॉर योर सासू माँ? सासू माँ के लिए क्यों वहां पे आपने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया अपने प्रिंसिपल्स के साथ? क्यों किया ऐसा? यार सबसे पहले तो मैं आप वालों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा. आपके सपोर्टर्स,
ये हम तो फिल्मों में आप गुमराह कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की तरह लगातार गुमराह कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे, और देश में जबरदस्ती की हवा है, अखबार हूँ मैं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। तो मीडिया और मोदी मुझे लगता है मिला हुआ है, और ये बात साबित हो जाती इस लाइन से, अखबार हूँ और औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूँ। तो आप लोग मीडिया के साथ इस देश में जबरदस्ती की हवा बनाई जा रही है। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, विवेक ओबराय जी हैं, मैं इनसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जो गुजरात मॉडल की बात करते हैं, ये अपने आप में मॉडल है, इनकी लोग नकल करते हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक ऐसी 10 योजनाएं हैं उनकी, जिसका मॉडल लोग मतलब कॉपी करते हैं। अन्य कौन सी योजना है, 10 गिना दीजिए। वितरण योजना, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता, ये विकास होता है गुजरात में। हम विवेक ओबराय जी जो मुंबई से चलकर इस बनारस की पावन धरती पे आए हैं, हम इनसे एक क्वेश्चन करना चाहते हैं कि गुजरात में सबसे ज्यादा इस समय युवक की, छात्रों की, वोटर्स की जरूरत है इस समय पूरे देश को, हर पार्टी को। इन्होंने क्या गुजरात में ऐसा युवा के लिए काम किया है जो समाजवादी पार्टी ने किया है? इन्होंने क्या किया? जैसे समाजवादी पार्टी ने खूब काम किया, आपके मोदी ने यार एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। मुझे ऐसा लग रहा है सब, मतलब मैं इलेक्शन के लिए खड़ा हो रहा हूँ, सब मुझे पॉइंट करें। और ये बनारस का जो इलेक्शन है, थोड़ा सा उसका एक मिनी मॉडल यहाँ दिख रहा है कि सब लोग एक तरफ, नरेंद्र मोदी एक तरफ, ऐसा लग रहा है ना। बाकी सब पार्टियां घुल मिल के एक हो गई हैं, उनकी विचारधाराएं सब एक हो गई हैं टू अटैक नरेंद्र मोदी। वो भी कुछ पूछना चाहते विवेक जी आपसे मेरा सवाल है, जैसे ऐसे नहीं चलेगा। ये साइकिल वाले, आप लोगों को बोलने का पूरा मौका मिला, बैठ जाइए, खामोश रहिए। यहाँ पे दबंगाई और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, शांत रहिए, सबके सब बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, अपनी बात रखें। विवेक जी मेरा एक सवाल आपसे है, जैसे कि आपके बॉम्बे में लड़कियां की सिक्योरिटी रहती है, सेफ्टी रहती है, लड़कियां शाम को भी जा सकती हैं, हम लोग के बनारस में आपको महिला सुरक्षा के लिए, आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो महिला सुरक्षा के लिए आप लोग, आपके हिसाब से महिलाएं वाराणसी में सुरक्षित हैं कि नहीं? बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि असुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप गुजरात मॉडल की बात करते हैं, आप कहते हैं कि महाराष्ट्र में आपने बहुत ज्यादा विकास किया है, तो अगर महिलाएं सुरक्षा की बात करते हैं तो वाराणसी में क्या आपका मुद्दा, क्या क्या प्लान है, क्या कीजिए? ये मैं इसके बारे में एक ही चीज कहूंगा कि पिछली बार मैं गुजरात में नवरात्रों के बीच में था, डांडिया वगैरह जब चलते हैं ना, तो नवरात्रि में मैंने देखा कि गहने पहनकर दो दो तीन तीन बजे रात तक लड़कियां बिना कोई मर्द साथ आराम से इत्मीनान से ट्रैवल कर रही थी, अपने साथ में जा रही थी, एंजॉय कर रही थी, इतनी सिक्योरिटी उनकी थी। पूछ रही वाराणसी के लिए क्या, मुझे लग रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी आते हैं तो मुझे लगता है कि वो पूरे देश में हर महिला को, हर लड़की को सिक्योर फील करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। वन ऑफ द बिग चैलेंजेस बिफोर नरेंद्र मोदी इज टू ट्राई एंड रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ द वाराणसी सिल्क वीवर्स, द ट्रेडिशनल वीवर्स ऑफ वाराणसी, हुज बिजनेस इज एक्चुअली बीइंग अनडन बिकॉज ऑफ द हैंडलूम्स, द पावर लूम्स of Surat, the power looms of Surat are eating into the business of the hand looms of Varanasi, and that's the big challenge because Modi has helped the power loom weavers of Surat. Now he must find a way of trying to help the hand loom weavers of Varanasi. My colleague Simi Pasha traveled into the industrial area, into those lanes where the hand loom weavers work, and here's the report that she filed on the expectations they have from the battle for Your Vote 2014. Tucked behind a giant handloom, hidden behind a web of strings, 40-year-old Niaz Ahmed literally weaves magic with his fingers, mixing red and blue with gold, creating patterns out of thin air. He's not just a weaver. Niaz is an artist. And this is a legacy that he has inherited from his forefathers. His art is what we love to wrap ourselves in. 6 yards of glory. He's able to finish one sari when he works for 8 hours a day for 25 days. And for this, Niaz gets paid a meager 5,000 rupees a piece.
He doesn't complain about the money, but he has a problem when his art is duplicated and his source of livelihood comes under threat. सूरज सिल्क का ऐसा है कि वो नकली बना होता है और यही डिज़ाइन जो उसमें अपने आंगन लेकर जाते हैं उससे कॉपी करते हैं, उसे चेंज करते हैं। ये हमारा पुश्तैनी है, ये हमारे लिए तो एक आम तरीके से है, लेकिन जो नए लोग देखते हैं उनके लिए एक ये कला है, ये हर आदमी नहीं कर सकता। Niyaz doesn't just face competition from the Surat silk and polyester industry, but also from power looms in his own neighborhood. As we make our way through the narrow bylanes of this old city, we come across small industrial units groping in the dark, desperately looking for help. Erratic supply and long power cuts have left the silk industry handicapped. After an hour's wait, the giants come roaring back to life as the power supply is restored. An explosion of colors and patterns unfolds before our eyes. But the beauty of the weave is marred with the struggle that workers have to go through. बिजली बहुत ज़्यादा है मैम, करीब 24 घंटा में समझ लीजिए 8-10 घंटा बिजली नहीं रहता है और हम लोग वही बिजली के ही आधारित हैं। अगर बिजली नहीं रहेगा तो हम लोग बैठे रहते हैं काम पे। सुबह आते हैं बिजली नहीं रहती है, कब आएगी मालूम नहीं रहता, पूरा दिन बैठे रह जाते हैं, बिजली नहीं आती, चले जाते हैं वापस घर, कब आएगी कब जाएगी कुछ समय का कुछ नहीं मालूम। Sheer neglect and complete absence of infrastructural support from the government has left the community of weavers in Alaipura angry. But that's not the only thing that's making them see red this election. As poll officers distribute voting slips ahead of polling day, locals claim many of their names have been left out. A community fighting for survival, the weavers want to have their say in the election process, and they claim they're being denied their constitutional rights. अरे कैसे करेंगे जब नाम ही नहीं है तो वहाँ पे तो झगड़ा तो करेंगे नहीं, वहाँ पे तो सीधे भगाए जाएंगे कि जो है आपका जो है नाम नहीं है वोटर लिस्ट में। तीन तीन बार हो चुका है, एक बार भी अभी तक नहीं है। फॉर्म जितनी बार बोले सब भर दिए हैं, फोटो दिए हैं सब, अभी लास्ट टाइम तक भी नहीं आया, तो वोट देने का तो सवाल ही नहीं पता कहाँ से जाएगा। आठ नहीं मिला है, एक भी नहीं पर्ची है, 22 वोट में 9 पर्ची मिली है। Maqbool Hassan, a senior citizen of Alaipura and president of the Weavers Association, echoes the sentiment on the streets. As the head of a joint family of 16 people, Hassan says he's only received 4 voting slips. As guardians of a legacy, he claims the weavers have been left out on all development models. Hassan Commission says that you give 100% vote so that राष्ट्र के निर्माण में आपकी भागीदारी हो सके, तो हम अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करें? What makes this election all the more important for Banaras silk weavers is the fact that the architect of the Surat model is contesting from their home turf. With Modi entering Banaras, the weaver community here is demanding a clear roadmap for their silk industry, which faces stiff competition from Surat. उन्होंने बनारस को, बनारस सिल्क के उद्योग को उन्होंने बढ़ावा देने की बात कही है, लेकिन कोई भी रोड मैप नहीं दिया है कि आखिर वो किस तरह से करेंगे। जिस तरह से कि उन्होंने हैंडलूम उद्योग जो सूरत का था उसको पूरा उन्होंने जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बदल दिया, तो जो वहाँ का वीवर था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में नौकर हो गया। इसी तरीके से यहाँ भी ये क्या करेंगे, जब कोई रोड मैप ही नहीं उन्होंने दिया तो हम कैसे बताएं कि वो क्या करेंगे। An age-old tradition of a city older than history is today facing extinction thanks to the power looms of Surat that churn out cheaper and more durable polyester replicates. Weavers of Banaras claim they're fighting a losing battle against a million-dollar Gujarat industry. And this is the biggest challenge faced by BJP's prime ministerial candidate as he woos Banaras. Will Modi be able to strike a balance and save this dying art? The weavers are watching. With Kashif Siddiqui in Varanasi, Sini Pasha for the Election Express. You're watching the Election Express, and joining us now after a long day of campaigning also is the Aam Aadmi Party's Medha Patkar. Thank you very much, ma'am, for joining us on the Election Express. जिस तरीके का यहाँ पर नमो नमो चल रहा है वाराणसी में, उसको देखते हुए आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल का कोई चांस है? आप तो घूम रही है काफी, चलेगी वाराणसी में झाड़ू जैसे चली थी दिल्ली में?
मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी गरीब बस्तियों में भी, काशी विद्यापीठ में भी और BHU में भी, वहाँ ना मो यानी ना मोदी ये चल रहा है, ये मुझे दिख रहा है। और लोगों को एक विकल्प चाहिए, लोगों ने बहुत भुगता है भाजपा को और कांग्रेस को, लोगों को अयोध्या के मंदिर मस्जिद पर झगड़ा नहीं चाहिए, लोगों को अपनी रोजी रोटी कपड़ा मकान चाहिए, और वो केवल आम आदमी पार्टी ही दे सकती है, ऐसा विश्वास लोगों के मन में है। ये तमाम भ्रष्टाचारी और अत्याचारी, चाहे मजहब के नाम पे हो चाहे विकास के नाम पे हो, लोगों को अब मंजूर नहीं है यही माहौल। ये बताइए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन रोकने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी को, क्या आपको लगता है मैम वो ठीक है? केजरीवाल आए, राहुल आए, अखिलेश आए, रिटर्निंग ऑफिसर यहाँ का कह रहा है कि मोदी यहाँ पे रैली नहीं कर सकते, क्या ये फेयर है? ये बिल्कुल नहीं, हमको भी रोक रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर, हमको भी इलेक्शन कमीशन सवाल कर रही है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने फेयर एंड जस्ट ही रहना चाहिए, और हमारे लोग जो जो नए नए चुनाव प्रक्रिया में तरीके अपना रहे, वो इतने अहिंसक और इतने संविधान के तहत और रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत है कि हमको रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। हम पर हमले हो रहे हैं अन्य राजनीतिक दलों के, जो हिंसा का आधार ले रहे हैं, चाहे वो विकास के नाम पर हो चाहे वो चुनाव के नाम पर हो, हमको हिंसा ना मंजूर है। अच्छा, वाराणसी की डेवलपमेंट कौन कर सकता है और उसका रूट मैप क्या है? पहले मैं वाराणसी के ही कुछ लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से वाराणसी की सबसे बड़ी जरूरतें क्या हैं और कौन सी पार्टी, आप ऐसे नहीं हो सकता, कौन सी पार्टी उसको पूरा कर सकती है? देखिए, अभी तक तो किसी ने किया नहीं है, तो वी जस्ट हैव टू मेक अ गेस कि कौन सी पार्टी कर सकती है। आपके हिसाब से सबसे बड़ी जरूरतें क्या? सबसे बड़ी जरूरतें सड़कें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, ये सब चीजें जो है बहुत। आप तो यहाँ पे रहते हैं, आपके हिसाब से जो भी MP हो उसकी क्या की एक्सपेक्टेशन है वाराणसी के लोगों? देखिए, हम लोग सब थोड़ा सा मुरली मनोहर जोशी जी से परेशान जरूर थे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, भाजपा वाले जो भी कहें, और यहाँ पर तीन चीज़ जो भी जीतेगा वो कर सकता है, बहुत आसान है, सड़क बनवा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनवा सकता है। दूसरी चीज़ एक सुविच ट्रीटमेंट प्लांट 6 महीने के अंदर लागू कर सकता है। तीसरा, गंगा नदी की ड्रेजिंग के लिए जो भी अगला MP हो उसको करा दे, अगर उसी से शुरुआत कर दे तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली मैडम, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वाराणसी अब पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है। भाई साहब, फोटो शो के बाद ले लीजिएगा, अभी बैठ जाइए। अच्छा, वाराणसी पॉलिटिकल फुटबॉल बन गया है, सब यहाँ पे टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, झंडे नारे लगाने के लिए आ रहे हैं कि वाराणसी का विकास कैसे होगा, इस पर ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है। बिल्कुल, वाराणसी का विकास गंगा के विकास के साथ जुड़ा है, मोदी जी का कोई रिश्ता नहीं है किसी नदी से, नदी और मोदी। साबरमती उन्होंने सुधारी अहमदाबाद? बिल्कुल नहीं, नर्मदा का पानी साबरमती में लाकर 93% पानी समुन्दर में छोड़ रहे हैं। नर्मदा के पानी से साबरमती में लाने के लिए 40,000 परिवारों को, जिसमें मुसलमान परिवार अधिक थे, उनको उजाड़ के रखा है। हम लोग जानते हैं कि गंगा का विकास अगर करना है तो पूरे गंगा के कछार का विकास करना पड़ेगा। गंगा एक्शन प्लान के तहत करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। राजेंद्र सिंह जी, हम लोग, सुनील सहस्त्रबुद्धे जी, सभी लोग मिलकर ये स्पष्ट जाहिर कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। यहाँ चाहिए गली गलियां जो है उसको बचाकर विकास, और उसके लिए परिवहन के तरीके मोदो रेल से लेकर नए नए होंगे, कहीं फ्लाईओवर होंगे, कहीं ओवरब्रिज होंगे, लेकिन लोगों की सहमति से होना चाहिए, लोगों को विस्थापित न करते हुए होना चाहिए। बुनकरों का विकास चाहिए, या दलित बस्तियों में न संडास है पर्याप्त, न पीने का पानी है, वो पहुंचाना चाहिए। या मुस्लिम बुनकर और कारीगर इतने हैं लेकिन स्थानीय संसाधनों पर रोजगार नहीं, इसलिए यहाँ से लोग हमारे बम्बई के बस्ती में सड़ रहे हैं। राज ठाकरे का हमला होता है तो कोई भी पार्टी जो आज बनारस में युद्ध लड़ रही है वो खड़ी नहीं होती। राज ठाकरे भाजपा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि राज ठाकरे मुंबई में उत्तर प्रदेश के लोगों पे हमला करते हैं और मोदी उस वक्त खामोश रहते हैं। यार, ये तो बहुत ही पॉलिटिकल मुद्दा है, तो इसके लिए आपको वो BJP के बताइए। मुंबई से राज ठाकरे ने किसी भी उत्तर भारतीय के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया है, ये गलत प्रचार है। और कोई भी मुंबई, कोई भी उत्तर प्रदेश का लोग मुंबई में सड़ नहीं रहे हैं, ये गलत बता रही है। मेरा मोदी जी से एक सवाल है, जैसे महिलाओं की सुरक्षा की बात अभी की थी वो मैडम, मोदी जी अपने जब वाइफ को नहीं संभाल सके तो हिंदुस्तान की महिलाओं को क्या संभालेंगे? मोदी अपने औरत को नहीं संभाल पाए तो देश क्या संभालेंगे? वो तो ये बताइए,
ये मेघा पाटकर और विवेक ओबेरॉय को बुला के आप भाषण करवा रहे हैं कि विकास के मुद्दे? आप बताइए कांग्रेस क्या विकास करेगी? अरे विकास की बात आपने किया कहाँ? अभी तो पूछ तो रहे हैं विकास, आप बताइए सोल्यूशन क्या है? अरे विकास में गंगा निर्मलीकरण के लिए क्या किया भाई? यमुना में इतना पैसा खा गए आप कांग्रेस वाले? कहाँ खा गए? यमुना अभी भी गंदी है क्या? दिल्ली की यमुना में हजारों करोड़ खर्च कर दिया। 600 करोड़ कांग्रेस ने दिया केंद्र सरकार ने, उसका आज तक हिसाब नहीं। अरे दिल्ली में यमुना का क्या हुआ? बात कर रहे हैं यमुना का क्या हुआ? 600 करोड़ जहाँ मैं ऐसा है। एक मिनट ए सुनो, आप एक देखिए आपत्ति लोगों को ये थी कि केवल ये जो सपनों के सौदागर हैं विवेक ओबेरॉय फिल्मों से आए हैं, नरेंद्र मोदी का सपना दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली छोड़ के भाग आए, मेरा ये कहना है और बनारस के लोगों का ये कहना है कि यहाँ नरेंद्र मोदी गंगा के एक्शन प्लान के बारे में बताएं, महंगाई के बारे में बताएं, केवल हवा बना सपने दिखा रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं। राहुल जी, ये राहुल जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिल्ली में 2000 करोड़ रुपए यमुना की सफाई में कांग्रेस वाले खा गए और यहाँ आप गंगा के शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं। हमारा सबसे ज्यादा पहला प्लान गंगा के शुद्धिकरण का और उसके पानी को एकदम निर्मल जल का है। राहुल ये लड़ाई डेवलपमेंट एंड अगेंस्ट डेवलपमेंट शक्तियों से है। आम आदमी पार्टी के अभी मेधा पाटकर यहाँ आई हुई है, उनके नाम पे देश भर की परियोजनाएं रोकने का, देश भर की बड़ी बड़ी योजनाएं जो इस देश के डेवलपमेंट के अंदर जो मदद कर सकते हैं उसको रोकने का आरोप है। आम आदमी पार्टी बनारस में इकट्ठा होकर के और एंटी डेवलपमेंट कैंपेन चला रहे हैं, एंटी मोदी। मेधा पाटकर पे आरोप लग रहा है कि आप लोग एंटी डेवलपमेंट हैं, जहाँ पर भी डेवलपमेंट होता है वहाँ मेधा पाटकर पहुँच जाती है और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को रुकवा देती है। जहाँ विकास से विस्थापन, विषमता या विनाश होने वाला है वहाँ हम खड़े होते हैं। हम विकास के तहत मांग रहे हैं समता और न्यायपूर्ण विकास, पर्यावरण की निरंतरता, नहीं तो गंगा नहीं बचेगी। वाराणसी का भूजल कोका कोला को दिया जा रहा है वो नहीं बचेगा, एक रास्ता नहीं एक। वो कहते हैं कि दिल्ली में क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, अरविंद केजरीवाल को मौका मिला 40 दिन में भाग गए। बिल्कुल नहीं, बाबा रामदेव भाग गए थे, अरविंद केजरीवाल भाग नहीं गए थे। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता का त्याग किया क्योंकि कांग्रेस और भाजपा ने एकजुट कर उनको बोलने भी नहीं दिया, जो इतिहास में सर्वप्रथम हो गया था। वेल इट्स गेटिंग हीटेड एंड द ऑडियंस बिहाइंड मी एज यू कैन सी गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। वी वॉन्ट टू एंड दिस ब्रॉडकास्ट टुनाइट। नरेंद्र मोदी विल बी इन वाराणसी ऑल थ्रू टुमारो एंड हेडलाइंस टुडे एंड आज तक will be covering every single development. This is why it's all happening and we are far away from the studios, right in the real studio of India, in the midst of real people understanding their real issues. That is real journalism being brought to you on Headlines today through this Election Express, giving the people their rights to be heard. I look forward to seeing you tomorrow night at 9:30 p.m. from a very noisy, very disorderly location in Varanasi. I end this broadcast tonight. Look forward to seeing you Thursday night at 9:30 on Headlines today.